उज्जैन से कानपुर लाए जाने के दौरान 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारे विकास दुबे ने एसटीएफ से पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए। ये खुलासे इतने बड़े हैं कि कोई भी सुनकर चौंक सकता है। सबसे बड़ा खुलासा तो ये है कि शहीद डीएसपी देवेंद्र कुमार मिश्रा के नृशंस हत्या करने के पीछे विकास दुबे की उनसे 22 साल पुरानी रंजिश थी। दोनों के बीच में 22 सालों से रंजिश चली आ रही थी। देवेंद्र मिश्रा जब कल्याणपुर थाने में सिपाही थे तो उनका विकास से आमना सामना हुआ था। दोनों ने एक दूसरे पर बंदूक तान ली थी, ट्रिगर भी दबाया गया, लेकिन दोनों ओर से फायर नहीं हो पाया था और इसके बाद देवेंद्र ने विकास को जमकर पीटा था और हवालात में डाल दिया था। एसटीएफ के अधिकारियों का कहना है कि 1998 में विकास दुबे इस मैक की 30 पुड़ियों और बंदूक के साथ कल्याणपुर इलाके में गिरफ्तार हुआ था और तत्कालीन थानेदार हरिमोहन यादव से वो थाने में ही भिड़ गया था, साथ ही उनके साथ मारपीट की थी। यह देखकर देवेंद्र मिश्रा विकास से भिड़ गए और उन्होंने विकास की जमकर पिटाई कर दी, लोकअप में डाल दिया और उसके बाद से ही विकास उनसे रंजिश करने लगा। और जब देवेंद्र मिश्रा को बिल्लोर सर्किल का चार्ज मिला तो विकास समझ गया कि अब उसकी दिक्कत बढ़ने वाली है और इसलिए उसने थानेदार विनय तिवारी के साथ सांठगांठ कर ली। 2 जुलाई को जब देवेंद्र बिकरू गांव में दबिश देने गए तो विनय तिवारी ने मुखबरी कर दी, विकास दुबे को भड़का दिया और कह दिया कि जो कुछ कर सकते कर लो। विकास को मौका मिल गया और उसने बेरहमी से सीओ की हत्या कर दी। विकास की राजनीतिक पहुंच का आकलन आप इससे लगा सकते हैं कि विकास के समर्थन में तत्कालीन बसपा के तत्कालीन विधायक भगवती सागर और राजा रामपाल दोनों थाने पहुँच गए थे और विकास की पैरवी की थी, लेकिन जब पुलिस उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुई तो दोनों नेताओं ने थाने पर ही धरना दे दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास के राजनीतिक रिश्ते कितने गहरे थे। और इस बार करीब 1.5 साल पहले ही देवेंद्र मिश्रा को सीओ बिल्लोर के रूम में नई जिम्मेदारी मिली थी और यहां पहुंचते ही विकास पर उन्होंने शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। उसके खिलाफ कई जांचें कराई, कई केस भी दर्ज कराए, लेकिन जब भी वो कार्रवाई करते थानेदार की मिलीभगत से विकास दुबे बच निकलता। और इस दौरान भी विकास दुबे की देवेंद्र मिश्रा से आमने सामने और फोन पर भी कई बार झड़प हुई। देवेंद्र ने कहा था कि जब तक वे हैं क्षेत्र में अपराध नहीं होने देंगे। पूछताछ में विकास ने एसटीएफ को बताया कि उनको लगता था कि देवेंद्र मिश्रा अब उनका एनकाउंटर करवा देंगे और यही बात उनके पुलिसकर्मी साथियों ने विकास दुबे को बताई थी। यही वजह थी कि विकास दुबे देवेंद्र मिश्रा से इतना घृणा करता था और इसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। यानी दोनों के बीच 22 सालों से चली आ रही इस रंजिश का परिणाम ये हुआ कि आज दोनों में से कोई भी हमारे बीच में नहीं है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।